गाजा पट्टी में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 8,005 हुआ, वहीं इजराइल में अब तक 1400 लोगों की गई जान। बेंगलुरु के वीरभद्र नगर में लगी भीषण आग, करीब 10 बसें जलकर हुई खाक। आंध्र प्रदेश ट्रेन हादसा में मरने वालों की संख्या 14, सीएम जगन मोहन रेड्डी करेंगे घटनास्थल का दौरा। यूपी के बदायूं में स्कूल बस हादसा, 4 बच्चे समेत 5 की मौत। कतर में मौत की सजा पाए 8 पूर्व नौसेना अधिकारियों के परिवार से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर, बोले उनकी रिहाई सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास करना जारी रहेगा। मराठा आरक्षण के आंदोलनकारियों ने फूका एनसीपी विधायक प्रकाश सोलंके का घर, एमएलए बोले मैं घर में था, सौभाग्य से कोई नुकसान नहीं हुआ। सीएम योगी ने मिर्जापुर को दी करोड़ों की सौगात, माँ विद्यावासिनी मंदिर में की गुजारिश। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से असहमत, मनीष सिसोदिया की जमानत रद्द होने पर बोली आम आदमी पार्टी नेता आतिश। मेट्रो फेज 4 के 2 कॉरिडोर को जल्द मिल सकती है मंजूरी, लाजपत नगर, दयाबस्ती, सराय रोहिला समेत कई इलाकों को होगा फायदा। बैंकिंग और रिलायंस के शेयर में खरीदारी के बदौलत शानदार तेजी के साथ बाजार हुआ बंद, सेंसेक्स 330 तो निफ्टी 94 अंक ऊपर हुआ क्लोज।